ओह वाओ, ये नया एयरपोर्ट तो कितना बढ़िया और बड़ा बनाया है। यस, एक वर्ड में कहूँ तो अमेजिंग। अमेजिंग से भी ज्यादा अमेजिंग, जबरदस्त अमेजिंग। इसी बात पे कुछ अमेजिंग कैंडीज खा लेता हूँ। ईश, पता है ये नया एयरपोर्ट बनवाने से सन सिटी और बाकी सिटीज के बीच की फ्लाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी। जिससे हमें मिलेंगे ढेर सारे टूरिस्ट्स और हमारे सन सिटी को बहुत फायदा होगा। वो तो है मेयर अंकल, इतने बड़े एयरपोर्ट से सन सिटी का नाम और रोशन होगा। अयो मेयर, तुम ये रेड कलर का झंडा लेके किसका वेट करते जी? बुल का? ईश, नहीं नहीं, एरोप्लेन का। सन सिटी का मेयर होने के नाते इस नए एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली फ्लाइट को मैं ये रेड फ्लैग दिखा के टेक ऑफ के लिए सिग्नल दूंगा। गेम ऑन। अब पीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। वो देखो, वो आ गए। ईश, कौन आ गया? एरोप्लेन? नहीं, झटपट अंकल की एक्सप्रेस मेल। कुएं से निकले मेंढक फुदक गए, टोनी बॉस तो फुटबॉल की तरह लुढ़क गए। जानवर को भगाने के लिए निकाली गई आवाज को हठट कहते हैं, और जो अटैक होने से पहले उसे रोक दे उसे जासूस झटपट कहते हैं। सर, पहली में कह रहे हैं कि इन्हें खबर मिली है कि आज यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, जासूस झटपट सर सब संभाल लेंगे। सही कहा, चीको और सुपर स्पीडो के रहते हम सबको किसी भी डेंजर से डरने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ गंडगोल क्या होने वाला है? आप परेशान मत होइए मेयर अंकल, मेरे और सुपर स्पीडो के रहते सन सिटी पे कोई अटैक तो कर सकता है मगर जीत नहीं सकता। अरे वो देखो, वो रहा। क्या अटैक? ईश, मम्मी। अरे नहीं अंकल, इस बार एरोप्लेन है, एरोप्लेन को झंडा दिखाकर लैंडिंग करवाओ, तब तक मैं अपनी भूख को सैंडविच दिखा के टेक ऑफ करवाता हूँ। एरोप्लेन को फ्लैग दिखा के सिग्नल देने में कितना मजा आ रहा है। मौसम तो साफ है, फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग विंड कहाँ से आ रही है? हवाई राजा के हवाई पंखों से। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। आप चाहते क्या हैं? हवाई राजा को अपना हवाई टोल चाहिए। यह आसमान का हवाई इलाका मेरा है, तो अब से इस नए एयरपोर्ट से उड़ने वाले हर एक प्लेन को हवाई टोल देना पड़ेगा। और जो मैं मना कर दूं तो? हिम्मत है तो मना करके तो देखो। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल न दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। जब ठुकरा दे कोई मेरी बातों का हार, तब सहना पड़ता है उसे मेरे लेजर्स का वार। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। प्लेन के साथ वो बड़ी सी बर्ड कौन सी उड़ रही है? R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब वो प्लेन डेंजर में है। लगता है उस प्लेन तक पहुंचने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। के लिए फॉर्मूला नंबर 99 लगाओ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 99।
ये तो लेफ्ट साइड की तरफ भाग रहा है। एक मिनट, अभी बैलेंस करता हूँ। हाँ अब ठीक है, प्लेन गिरे तो कम से कम ठीक से तो गिरे। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। सुपर स्पीडो, प्लेन के विंग्स कट चुके हैं, वो किसी भी टाइम नीचे गिर सकता है। हमें प्लेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए फॉर्मूला नंबर 666 लगाना होगा। यस ब्रो, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 666। कीको, इस प्लेन का वेट काफी ज्यादा है, मैं इसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकता। ये धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसल रहा है। एक काम करो सुपर स्पीडो, तुम जल्दी से उस नदी के पास चलो। सुपर स्पीडो, प्लेन किसी भी वक्त गिर सकता है। एक काम करो, अपने आर्म्स को स्विंग करके प्लेन को नदी में फेंक दो। पर कहीं प्लेन नदी में गिरने से टूट गया तो? इतनी कम हाइट से गिरने से नहीं टूटेगा, और अगर प्लेन को फ्लैट तरीके से फेंका तो प्लेन डूबेगा नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरेगा। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 634। ऑलराइट कीको, फॉर्मूला 634 लगा के कैलकुलेट करता हूँ कि इस प्लेन को कितने फोर्स और हाइट से फेंका है, ताकि मैं प्लेन को सही तरीके से नदी के ऊपर लैंड करवा सकूं। इन लोगों को रेस्क्यू टीम सेफली निकाल लेगी। चलो हमें एयरपोर्ट चल के देखना चाहिए कि कहीं कोई और अटैक तो नहीं हुआ। सही कहा कीको, लेट्स गो। मम्मी, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किस चिड़िया ने उस उड़ती हुई प्लेन के पर कतर दी है। अचानक से यह आंधी कैसे आ गई? आंधी नहीं, तूफान कहो। हवाई राजा का जरा वेलकम तो करो। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। ओरी मोरी मदर, इतने बड़े विंग्स, कुछ खा लेता हूँ। मम्मी, आप है कौन और चाहते क्या है? मैं हूँ इस उड़ते हुए आसमान का राजा, हवाई राजा, और अब से इस एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाले प्लेन्स के लिए तुम लोगों को मुझे हवाई टोल देना पड़ेगा, वरना अभी तक तो बस एक प्लेन के विंग्स काट के सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है। कहीं मेरा मूड खराब हुआ तो पूरी की पूरी फिल्म दिखाऊंगा। सुनिए मिस्टर, आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है। रॉन्ग से भी ज्यादा रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। चुप कर चचुंदर, मेरे जैसे किंग कॉन्ग के सामने तू राइट और रॉन्ग की बात करता है। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। कीको, इसकी लेजर बीम बहुत ही पावरफुल है। सुपर स्पीडो, हमें हवाई राजा को यहाँ से दूर ले जाना होगा। बहुत तेज बन रहे हैं, लगता है इन्हें अपनी अल्ट्रा स्पीड दिखानी ही पड़ेगी। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। कीको, हवाई राजा की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, मैं मैच नहीं कर पा रहा। सुपर स्पीडो, लेजर बीम से तुम भी शूट कर सकते हो। लगाओ फॉर्मूला नंबर 75। ओके ड्यूड, अप्लाइंग फॉर्मूला 75। मुझसे मुकाबला, देखते हैं कितनी देर मेरी लेजर बीम्स के सामने टिक सकते हो तुम दोनों। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। कीको, हवाई राजा की लेजर बीम के सामने मेरी लेजर बीम वीक पड़ रही है।
अब देखो क्या धमाका करता हूँ। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। क्यों, अब पता चला ना हवाई राजा से टकराने का अंजाम क्या होता है। मेयर, तुम्हें सबक सिखाने के लिए आखिरी ट्रेलर दिखा रहा हूँ। उम्मीद है इसके बाद मेरी डिमांड तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। अब देखते हैं कि सन सिटी में कोई भी प्लेन लैंड कैसे करता है। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। हवाई राजा ने रेडार सिस्टम का एंटीना डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी अब सन सिटी में लैंड होने वाले प्लेन्स एटीसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में वो प्लेन्स हवा में एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 55 लगा के खुद को रिपेयर करो। आई एम ऑल ओके ब्रो, लेट्स गो। हेलो हेलो एटीसी, हेलो एटीसी। एटीसी से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हेलो एटीसी, हमारी पोजीशन बताइए, क्लाउड्स की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। सुपर स्पीडो, वो देखो, वो दोनों प्लेन्स आपस में टकराने वाले हैं। जल्दी फॉर्मूला नंबर 167। ओके डूड, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 167। बड़ी, सभी प्लेन्स को सेफली लैंड करवाने के लिए फॉर्मूला नंबर 333 लगाओ। ग्रेट आइडिया किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 333। मैंने सभी पायलट से कांटेक्ट करके येलो कलर की लाइट को फॉलो करते हुए लैंड करने का मैसेज भेज दिया है। अब वन बाय वन मैं सबको सेफली लैंड करवा दूंगा। इस बार मैं खुद को बहुत थिक कोटिंग से रा कर लूंगा। अरे वाह, मतलब अब हवाई राजा की लेजर बीम्स तुम पे असर नहीं करेंगी? करेगी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए लेजर बीम्स को पहले मेरी कोटिंग को काटना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम उसे पकड़ लेंगे। सही कहा सुपर स्पीडो, अब आने दो उन्हें। हवाई राजा अंकल के आज वापस आने के चांसेस को एक वर्ड में कहते हैं नील। पर क्यों? क्योंकि मेयर अंकल ने डर के मारे हवाई राजा अंकल को आज के दिन भर का हवाई टोल दे दिया। अब वो कल आएंगे नेक्स्ट डे का हवाई टोल लेने। मेयर अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? ये सब मैंने अपनी सनसिटी के भले के लिए किया है। अब अगर मैं हवाई राजा को टोल नहीं देता तो वो हमारा एयरपोर्ट बंद करवा देता, फिर पूरी दुनिया में सनसिटी का नाम खराब हो जाता। हवाई राजा का यूं टोल मांगना रॉन्ग है, और उनकी बात मान के उन्हें टोल देना उससे भी ज्यादा रॉन्ग है। और रॉन्ग कभी राइट से जीत नहीं सकता, बिकॉज़ वी फाइट फॉर राइट। सॉरी किको और सुपर स्पीडो, वो मैंने जल्दबाजी में डर के मारे हवाई राजा को पैसे दे दिए, लेकिन कल उसे मैं हरगिज नहीं दूंगा। हाँ। नहीं मेयर अंकल, आप कल उसे पैसे दे दीजिए। तो क्या अब राइट के सामने रॉन्ग हार गया? नहीं ट्विंकल, ये एक ट्रैप है। हवाई राजा आसमान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर कभी ना कभी जमीन पर आता ही होगा, क्योंकि हर उड़ने वाली चिड़िया का घोंसला जमीन पर ही होता है। जब हवाई राजा अपने टोल के पैसे लेके अपने घर जाए तो हम उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच सके और आज के पैसे भी साथ में वापस ला सके। सही कहा सुपर स्पीडो, लेकिन हवाई राजा की स्पीड बहुत फास्ट है, इसीलिए उसे ट्रेस करने के लिए हमें फॉर्मूला नंबर 222 लगाना पड़ेगा। डर के मारे मेरी भूख और बढ़ रही है, कुछ खा लेता हूँ। डरो मत, पता है एक बार मैंने ऐसे ही एक हवाई राजा को तवे पे बिठा के ऐसा भूना था कि वो हवाई राजा से बैंगन भाजा बन गया। वो देखो हवाई राजा आ रहा है। सुपर स्पीडो, तुम जल्दी से फॉर्मूला नंबर 222 एक्टिवेट करके अपना साइज छोटा करो और इस पैसे वाले बैग में घुस जाओ, फिर हवाई राजा तुम्हें जहां भी ले जाएगा मैं R7 के जरिए तुम्हें ट्रेस करता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। ब्रिलियंट आइडिया किको, अपना ख्याल रखना। हवाई
वेरी गुड मेयर, तुम ऐसे ही रोज मुझे टोल देते रहो और इस एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाते रहो। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। लूटपाट के काम में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भूख लग गई। ओ, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तुम दोनों इन बैग्स की रखवाली करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। Hello, how are you? Nice to meet you. Bye bye. समझा, ये रोबोटिक ईगल्स हैं, तभी इतनी ताकत है इनमें। हेलो बड़ी, मैं R7 के सिग्नल को फॉलो करते करते तुम्हारे पास पहुंच चुका हूं। जल्दी आओ कीको, यहां दो रोबोटिक ईगल्स ने मेरी बैंड बजा कर रखी है। Okay bro, activating formula 125. Come on Super Speedo, jaldi Sun City ke paise leke wapas chalte hain. दोनों ने मेरे ईगल्स के साथ क्या किया? बहुत बुरा, उन्हें हमेशा के लिए जमीन के अंदर सुला दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो रॉन्ग काम करना छोड़ दो। मेरे दो रोबोटिक ईगल्स को हरा के खुद को बड़ा शेर समझ रहे हो? अभी शेर से चूहा बनाता हूँ तुम दोनों को। अच्छा हुआ मैंने अपने ऊपर थिक कोटिंग चढ़ा रखी है, वरना ये लेजर बीम अब तक मेरे दो टुकड़े कर चुके होते। लेकिन सुपर स्पीडो, तुम्हारी ये कोटिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। हमें कोटिंग के हटने से पहले ही हवाई राजा का कुछ करना होगा। तुम
लोगों ने मेरे घर से पैसे निकालने की जरूरत की है। अब इसकी सजा तुम्हारे साथ पूरे के पूरे सन सिटी को मिलेगी। स्काई का किंग है हवाई राजा, जो टोल ना दे उसका बजाता हूँ बैंड बाजा। सिटी से आप कोई हवाई सफर तो क्या, रोड या ट्रेन से भी सफर नहीं कर पाएगा। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम मुझे ज्यादा देर तक इस जाल में रोक कर रख सकोगे? स्पीडो, हवाई राजा के निकलने से पहले फॉर्मूला नंबर 876 लगाओ। फैंटास्टिक आइडिया कीको, फॉर्मूला 876 लगा के मैं हवाई राजा को गीले सीमेंट से ढक दूंगा और जब तक वो जाल से बाहर निकलेगा उतनी देर में वो गीला सीमेंट सूख जाएगा और हवाई राजा उसमें कैद हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 67 लगा के मुझे उस तक पहुंचाओ ताकि मैं उसे भागने से रोक सकूं। अब लगता है मेरी ओके का टाइम आ गया है। अरे नहीं, मेरा वो लेजर वाला बंडाना और मेरे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। हवा में उड़ती मछली को जाल में फंसा के तवे पे फ्राई करने का वक्त आ गया। मतलब सर का मतलब यू आर अंडर अरेस्ट।